ऑल राइट गाइज, रियलमी 10 प्रो प्लस 5G, जी हाँ दोस्तों, मोस्ट हाइप स्मार्टफोन इन दिस ईयर, सॉरी ईयर, ये मोस्ट हाइप स्मार्टफोन नहीं है, एक और है। तो ये हमारे पास आ चुका है रियलमी 10 प्रो प्लस 5G। आज के इस वीडियो में दोस्तों करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग एंड एक ओवरव्यू देने का दोस्तों यहाँ पे ट्राई करूँगा। अगर आप लोग यार परचेस करना चाहते हो बेसिकली रियलमी 10 प्रो प्लस एक कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन, वो भी 25,000 देकर, कितना बेटर दोस्तों आप लोगों के लिए रहने वाला है, तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। एंड ऑफकोर्स गाइज, लाइक कर देना वीडियो को, एंड अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो हमारे फ्रेडेक्स चैनल को, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ऑल राइट, तो करते हैं इसके एक शॉर्ट अनबॉक्सिंग। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो रियलमी का एज यूजुअल येलो एंड ब्लैक कम्बिनेशन के साथ आपको बॉक्स देखने को मिल जाता है रियलमी 10 प्रो प्लस का 5G का ब्रांडिंग है ऊपर में, ओके। एंड इसके पीछे कुछ स्पेक्स मेंशन किया हुआ लाइक 120Hz कर्व विजन डिस्प्ले वगैरह। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग जैसे फर्स्ट टाइम के लिए इसको ओपन करेंगे तो आप लोग देख ही सकते हो एक लीड मिलता है, इसके अंदर आपको कुछ यूजर गाइड्स एंड सिम इजेक्टर पिन, एंड दोस्तों यहाँ पे साथ में एक ट्रांसपेरेंट केस भी है। केस का क्वालिटी जो आपको मिलता है हर रियलमी डिवाइस के अंदर कुछ ऐसा ही है, कुछ खास नहीं है उसमें, ओके। एंड देन डिवाइस रियलमी 10 प्रो प्लस, और बॉक्स में आपको एक 80 वाट का सुपर बुक चार्जर दिया गया है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे रियलमी ने मेंशन कर रखा है साइड्स के अंदर या फिर दोस्तों यहाँ पे फ्लिपकार्ट में 67 वाट, तो मे भी 67 वाट सपोर्ट करता है, लेकिन आपको बॉक्स के अंदर मैक्स 80 वाट का एक सुपर बुक चार्जर यहाँ पे दिया गया है, और साथ में आपको एक USB A2 टाइप सी चार्जिंग केबल भी प्रोवाइड किया गया है। तो गाइस यहाँ पे बॉक्स कंटेंट में कुछ यही सब है रियलमी 10 प्रो प्लस के साथ, और ये रहा हैंडसेट। तो गाइज यहाँ पे मेरे पास है हाइपर स्पेस कलर, इसके अलावा और दो कलर वेरिएंट में आता है, एक है ब्लू एंड ब्लैक, आप लोग यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हाइपर स्पेस कलर के अंदर यार पीछे तो फिंगरप्रिंट्स आ ही जाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यार एक पॉलीकार्बोनेट का बैक पैनल इसमें यूज किया गया है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग इसका कैमरा मॉड्यूल यार देखोगे तो कैमरा मॉड्यूल यार मुझे पर्सनली पसंद नहीं है इसका, क्योंकि पीछे से एक प्रीमियम फील आपको नहीं देने वाला ये वाला डिवाइस। लाइट्स में काफ़ी ज़्यादा चमक आपको देखने को मिलेगा इसमें, ऊपर में आप लोग देख सकते हो एक अलग ब्लू टाइप का शेड देखने को मिलता है। गाइज यहाँ पे नीचे कुछ गोल्ड टाइप का दो कलर वेरिएंट यहाँ पे आप लोग, दो कलर वेरिएंट नहीं है, दो दोस्तों यहाँ पे मिक्सचर देखने को मिलता है, एक ऊपर में ब्लू टाइप एंड नीचे से यहाँ पे गोल्ड कुछ ऐसे एक रेडिनेस टाइप का देखने को मिल जाता है, ओके। और इसके अगर कुछ फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो गाइज राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स एंड पावर बटन देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे बॉटम साइड में एक सिम स्लॉट है जिसके अंदर आप लोग यार दो सिम कार्ड का यूज कर सकते हो। एंड फोन का प्राइमरी माइक, एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, और इसमें स्टीरियो स्पीकर्स दिया गया है, तो आप लोग नीचे भी स्पीकर्स देख सकते हो, एंड यहाँ पे ऊपर में आए में दोस्तों यहाँ पे टॉप में भी आप लोगों को स्पीकर्स देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे जस्ट इसके साइड में माइक कैंसिलेशन भी है। तो कुछ ये है दोस्तों इसका फिजिकल ओवरव्यू, ओके। और इसकी अगर इन हैंड फील की बात करें तो 175 ग्राम है इसका वेट, 5000mAh का बैटरी यूज किया गया है, फिर भी दोस्तों यहाँ पे काफी स्लिम दिखता है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ओके। और अभी आते हैं इसके डिस्प्ले के अंदर, क्योंकि दोस्तों मोस्ट हाइप जो फीचर है इसका वही है बेसिकली। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है एक 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz का यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, एंड दोस्तों यहाँ पे आपको 800 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे अगर आप लोग आउटडोर में यूज़ करोगे तो काफ़ी ब्राइट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है इसका स्क्रीन, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ओके। 1 बिलियन कलर बेसिकली ये सपोर्ट करता है, एंड इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 90.5%, और इसमें आपको HDR10 वगैरह का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसका डिस्प्ले बहुत ज़्यादा कर्व नहीं है, लेकिन दोस्तों काफ़ी सही है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कर्व किया जाता तो गाइस यहाँ पे मिसटच का प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे तो काफ़ी सही मुझे यहाँ पर लगता है जो इसका डिस्प्ले है। और इसमें आपको ट्रिपल सेटअप का कैमरा मिलता है जो कि है 108 MP वाइड मेन कैमरा, उसके बाद 8 MP का है यार अल्ट्रा वाइड, एंड गाइस यहाँ पे 2 MP का यूजलेस माइक्रो सेंसर यहाँ पे दिया गया है, ओके। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे फोटोज वगैरह कैप्चर करोगे इसी 108 MP से तो गाइस यहाँ पे काफ़ी शार्पनेस से फोटो आता है। मैं दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन दे रहा हूँ इसका जो कैमरा है, बाद में एक रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। कलर्स वगैरह काफ़ी सही उठाता है, एंड गाइस यहाँ पे काफ़ी क्लियरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका जो फोटोज है। 4K 30fps में आप लोग इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, एंड गाइस यहाँ पे 1080p एंड 30fps में आप लोग स्लोमो वीडियो रिकॉर्ड भी कर पाओगे, ओके। एंड इसके सेल्फी की बात करें तो यह 16 MP का एक सेल्फी दिया गया है, तो गाइस यहाँ पे कुछ सेल्फी भी आप लोग देख सकते हो, थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्यूटीफाई करके आपको देता है, एंड गाइस यहाँ पे कलर्स वगैरह काफी सही लगता है जो यहाँ पे स्किन टोन है आप लोग देख ही सकते हो, ओके। एंड आते हैं इसके परफॉर्मेंस में, तो आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी एक 6nm बेस्ड 5G प्रोसेसर यहाँ पे दिया गया है,
और मेरे पास जो वेरिएंट है इसमें 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपको 8GB रैम 128GB वाला स्टोरेज देखने को मिलेगा, साथ में यहाँ पे 8GB या फिर 256GB कुछ ऐसा भी है, लेकिन शायद से 256GB वाला वेरिएंट अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, शायद से बाद में हो जाएगा। मैंने इसके अंदर अंतुतु स्कोर वगैरह चेक किया है जिसका स्कोर है 5,11,000, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 5 लाख से ऊपर ही आप लोग स्कोर देखने को मिलेगा इसमें। एंड इसके अंदर दोस्तों मैंने कुछ गेम्स भी प्ले किया है लाइक BGMI वगैरह, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हाइस्ट आप लोग HDR एंड अल्ट्रा के अंदर गेमिंग कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्मूथ एंड एक्सट्रीम में भी आप लोग इसके अंदर गेमिंग कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे गेमिंग में मुझे काफ़ी स्मूथनेस यार देखने को मिला है क्योंकि इसका प्रोसेसर भी कैपेबल है एंड यहाँ पे इसका डिस्प्ले तो आपको पता ही है, काफ़ी एक स्मूथनेस आपको मिलता है 120Hz के साथ, एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी दिया गया है। एंड दोस्तों यहाँ पे कर्व होने के बावजूद भी यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी एक अच्छा फील आएगा, कोई भी मिसटच का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, तो गाइस यहाँ पे मैंने टेस्ट किया है तो आप लोग देख ही सकते हो बहुत ही फास्ट काम करता है इसका जो फिंगरप्रिंट रेस्पॉन्स है, जस्ट टच एंड ओपन एज यू कैन सी। एंड स्टीरियो स्पीकर से तो गाइस आइए इसको टेस्ट करते हैं। ओके स्पीकर्स भी इसका काफी लाउड है। और इसके अगर यूजर इंटरफेस की बात करें तो आपको Realme डिवाइसेस के अंदर मिलता है Realme UI का वर्जन, तो इसमें आपको दिया गया अभी फिलहाल Realme UI 4.0 आउट ऑफ द बॉक्स एंड Android 13 के साथ। ओके और इसके अंदर दोस्तों यार आप लोग 6GB रैम एक्सपेंड कर सकते हो, यानी कि दोस्तों यहाँ पे रैम एक्सपेंशन वाला फीचर भी इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है। और वर्जन में अगर आप लोग अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखिए कलर ओएस वर्जन 13, तो गाइज वही है बेसिकली Oppo, Realme, OnePlus से भी है, काफ़ी स्मूथ है Realme UI के साथ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ ब्लॉटवेयर से लाइक यहाँ पे जोस, पब्लिक ऐप, Spotify, शेयर चैट या फिर स्नैपचैट वगैरह दिया हुआ है, तो इसको आप लोग अनइंस्टॉल तो कर ही सकते हो, लेकिन आप लोगों को प्री इंस्टॉल कुछ ब्लॉटवेयर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये था Realme 10 Pro Plus की अनबॉक्सिंग एंड ओवरव्यू, कैसा लगा दोस्तों नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना। ओके सो ओवरऑल अगर मैं इसका बात करूँ तो गाइज 24,000 में एक बेस्ट डील है, क्योंकि यार आपको डिस्प्ले तो काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है कर्व के साथ। स्टीरियो स्पीकर से गाइस 5000mAh का बैटरी एंड यहां पे साथ में 80 वाट का एक चार्जर भी प्रोवाइड किया गया है। चार्जिंग टेस्ट भी बहुत ही जल्द आएगा चैनल के अंदर। प्रोसेसर में इसमें डिसेंट कहूंगा क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में स्नैपड्रैगन 778 प्लस आना चाहिए था, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग देखोगे यार कहीं से ना कहीं से तो यार कॉस्ट कटिंग करना होगा, क्योंकि और जो चीज़ें हैं इसमें वो तो आपको अच्छा मिल ही रहा है। सो ओवरऑल गाइज आपको 24,000 में एक अच्छा पैकेज देखने को मिल रहा है Realme 10 Pro Plus 5G। ओके लेकिन दोस्तों इसके अंदर मुझे यार एक कंप्लेन ये है कि इसमें अगर ग्लास बैक पैनल दिया जाता तो मुझे और यहाँ पे थोड़ी सी खुशी होती, क्योंकि इसमें आपको एक पॉलीकार्बोनेट का बैक पैनल दिया गया है। अगर आप लोग देखोगे यार Realme जो यूज़ करता है अपने 9-10 हज़ार स्मार्टफोन के अंदर, सेम कुछ ऐसे ही मुझे लग रहा है इसका जो बैक पैनल है। ओके सो कुछ ये था दोस्तों ओवरऑल Realme 10 Pro Plus 5G की कहानी, कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय एंड एज यूजुअल जय हिंद।